नया सत्र शुरू होने के बाद से ही यहाँ शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। दरअसल बीईओ सीवी तिवारी को पद से हटाए जाने के बाद क्षेत्र में भारी लापरवाही और अनियमितताएं देखने को मिल रही है। शालाओं में मिल रही अनियमितताओं के मामले में स्थानीय प्रशासन और स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी भी समय पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कारण यह है कि बीईओ का पद सुग्रीव बेसन को सौंपा गया है, जो कभी कभार लटेरी पहुंचकर अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। साथ ही बीआरसी के पद पर प्रदीप श्रीवास्तव है, जो कि लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे हैं, जिसके बाद से क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और शिक्षक अपनी लापरवाही पर उतारू हो गए हैं। ताजा मामला लटेरी संकुल केंद्र की ग्राम वीरपुर कला का है, जहां शनिवार को हमारे संवाददाता द्वारा शाला का अवलोकन किया गया था। आपको बता दें कि इस शाला में 5 लोगों का स्टाफ है, मौके पर सिर्फ 2 लोग ही उपस्थित पाए गए थे। कुरवई से आशीष सहले की रिपोर्ट। स्कूल मतलब कितने सर आए थे आज? 5। दो आए थे। कौन कौन? मैडम और ये दोनों भाई सर आए थे आज? चले गए हैं। खाना मिलता है आपको रोज? आज मिला था खाना? क्या मिला था खाने में? पूरी मिली थी। और 5 लोगों का स्टाफ है, जिसमें से 2 लोग उपस्थित थे और 3 लोग अनुपस्थित थे, और वहाँ पे कोई उनका छुट्टी का आवेदन भी नहीं मिला है। क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? कब तक कार्रवाई की जाएगी? आज उनको नोटिस जारी है। जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मैडम वहाँ पे एक शिक्षक है जगत पाल करके कोई, और उनका भी मीडिया से कुछ उचित व्यवहार नहीं रहा है, उन्हें अवकाश नहीं दिखाए गए हैं, जबकि जिला अधिकारी शिक्षा अधिकारी मतलब DPC के कहने के बावजूद भी उन्हें आवेदन नहीं दिखाया छुट्टी का, तो उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है? उनको भी नोटिस दिए। कुरवई सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महेश गुप्ता को जाना पड़ा जनसुनवाई में। विद्युत